youtube पर इससे बेहतर इससे बेस्ट कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता मैं अक्सर बार-बार आपको बोलता हूं कि अगर आप सिर्फ हमारी वीडियोस ही देखते हैं तब भी आपको ना तो बाहर से कोई किताब लेनी है ना कोई मॉडल पेपर इजी नोट्स कुछ नहीं खरीदना है पूरा फुल कंटेंट आपको यहीं से मिल जाएगा और अगर आप पेड नोट्स ले लेते हैं तो फिर क्या ही बात है बहुत बेहतर कर पाएंगे अगर आप आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स कम रह गए हैं और लास्ट आपके पास चांस बचा है फोर्थ सेमेस्टर का इसमें भी अगर आपने कंजूसी कर ली मेहनत नहीं की तो अच्छा नहीं कर पाएंगे लास्ट चांस बचा है बहुत मेहनत कीजिए बहुत बेस्ट रिजल्ट लेकर के आइए उसके लिए आपको करना क्या होगा एस सर के नोट्स लेने होंगे वो पढ़ना होगा एस सर के वीडियोज देखने होंगे और खुद भी मेहनत करनी होगी नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं वन लीनियर यहीं से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर के आएंगे यहीं से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे देखिए एक एक क्वेश्चन को बहुत डीप समझिएगा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा कैसी प्रक्रिया है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है यानी कि ये कभी भी रुकती नहीं है इसको कहते हैं कि गर्भ से कब्र तक जाती है ठीक है जैसे गर्भ में कैसे आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा उसने गर्भ में ही चक्रव्यू तोड़ने का प्रोसेस सुन लिया था है ना तो तभी से माना जाता है कि बालक जो है वो मां के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है ओके okay? और जब तक वो कब्र तक नहीं जाता तब तक सीखता रहता है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है जब आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके की है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमारी शिक्षक प्लस शिक्षार्थी और पाठचर्या के मिलने से हमारी शिक्षा व्यवस्था बनती है शिक्षा व्यवस्था तैयार होती है ठीक है शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु या पाठ्य पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा क्रियाओं का आधार क्या है तो शिक्षा क्रियाओं का जो आधार है जो बेस है वो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है डी फ्रेंड ध्यान रखिएगा विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठचर्या कहते हैं किसको किसको पाठचर्या कहते हैं विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को या और भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे ठीक है तो विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को किसको सामान्य प्रारूप को किसके विषय वस्तु के विषय वस्तु का जो सामान्य प्रारूप होता है उसको पाठचर्या कहते हैं कैरिकुलम कहते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठचर्या है शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी क्या है पाठचर्या है पाठचर्या क्या है पाठचर्या शिक्षा का आधार है आपका जो शिक्षा है आपका जो एजुकेशन है उसका बेस पूरा कैरिकुलम है पूरा सिलेबस है जिसके आधार पर शिक्षा टिकी हुई है पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति किसके माध्यम से होती है पाठचर्या के द्वारा विद्यालय के द्वारा शिक्षक के द्वारा या समाज के द्वारा तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति न किताबों से ना विद्यालय से ना दोस्तों से न समाज से कहाँ से पाठचर्या के द्वारा होती है यह एक ऐसा साधन है कौन पाठचर्या पाठचर्या एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ने का काम करता है छात्र और अध्यापक को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं पाठचर्या कहते हैं अध्यापक और अध्यापक और छात्र को जोड़ने का काम कौन करता है पाठचर्या करती है पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आते हैं सुन लीजिए हमारी बात जैसे आप लोग अक्सर देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को अक्सर स्टूडेंट्स सेम समझते हैं कि दोनों ही दोनों एक ही चीज़ हैं ठीक है और शायद हमने इसको नहीं लिखा मैं आपको समझा देता हूँ पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को ध्यान रखिएगा क्या होता है नंबर एक पाठ्यक्रम अगर हम बात करें पाठ्यक्रम ठीक है और दूसरी हम अच्छा पहले हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की सुनिए ध्यान से पाठ्यचर्या और दूसरी हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की जो पाठ्यचर्या है इसको इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं क्या कहते हैं कैरी कुलम कहते हैं और जो पाठ्यक्रम होता है इसको सेलेबस कहते हैं क्या कहते हैं सेलेबस कहते हैं आप बी एड कर रहे हैं आपका बी एड दो साल का है किस सेमेस्टर में क्या पढ़ा जाएगा कब आपका वायबा होगा कब फाइल्स बनेंगी कब आपकी जो है टीचिंग टीचिंग लगेगी कितने महीने की लगेगी है ना ये पूरा जो खाका तैयार किया जाता है शुरुआत में वो पाठचर्या के अंतर्गत आता है ठीक है और आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है ये आपका पाठ्यक्रम है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी किताबें रहेंगी सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सी किताबें रहेंगी आ, आपका थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है वो आपका सारा सिलेबस के वो आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है पाठचर्या का जो क्षेत्र है ये विस्तृत होता है क्योंकि इसमें अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान बीएड कर रहे हैं आप ठीक है तो अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान या बालक विद्यालय के दौरान टूर पर भी घूमने जाता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है कोई एक्टिविटी करता है कोई खेल होता है गेम जो होते हैं गेम पीरियड होता है वो सारा इंक्लूड होता है पाठचर्या में ओके सिलेबस में ये आपका सिर्फ किताबों से संबंधित होता है कि इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि आपको किस सिलेबस में कितना पढ़ना है कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सिलेबस बाई सिलेबस निर्धारित होता है और पाठचर्या में पूरा एक बार में ही शुरुआत में ही पूरा फिक्स कर दिया जाता है कि बच्चा यहाँ से एडमिशन लेगा और यहाँ उसका फाइनल होकर के वो बाहर आ जाएगा क्लास से अपने यानी बी फाइनल हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस उसका करिकुलम यानी पाठचर्या के अंतर्गत आ जाता है और जो पाठ्यक्रम होता है उसके भाग होते हैं जैसे आपके बी के चार सेमेस्टर हैं इनका सबका अलग अलग पाठ्यक्रम है सिलेबस है चलिए तो पाटचर्या जो है वो शिक्षा का आधार है पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी पूर्ति पाठचर्या के माध्यम से ही होती है और एक ऐसा माध्यम है जो अध्यापक छात्र को जोड़ता है पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आते हैं आपके विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी दो अक्टूबर या और भी खेल होते हैं वो सारे हमारे पाठचर्या में शामिल होते हैं कनिंगम की एक बहुत फेमस परिभाषा है और अक्सर इसको पूछ लेता है ध्यान रखिएगा पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार यानी कि आर्टिस्ट के हाथ में वो साधन है वो टूल है यहाँ पे साधन कौन है पाठ्यचर्या साधन है ठीक है और कलाकार यहाँ पे कौन है अध्यापक है उसके हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य यहाँ पे जो शिष्य है उसको पदार्थ कहा है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कनिंगम ने शिष्य को आ, किस रूप में माना है शिष्य को विद्यार्थी को उन्होंने पदार्थ का रूप दिया है अध्यापक को कलाकार कहा है और पाठचर्या को साधन कहा है औजार कहा है टूल कहा है अपने कलाग्रह रूपी स्कूल स्कूल को उन्होंने कलाग्रह कहा है स्टूडियो कहा है में अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार विकसित हुआ रूप प्रदान करता है ये परिभाषा कनिंगम की है याद रखिएगा उसने किसको क्या नाम दिया है पाठचर्या शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है एक तो आपका पाठ दूसरा आपका चर्या पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य पाठ का अर्थ क्या होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य वहीं पर चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठचर्या को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं पाठचर्या को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं जिसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा केयर यानी कि जो हमारा कुरेर शब्द है उससे हुई है

आपको किस किताब में कितना आपका सिलेबस रखना है क्या आपको पढ़ना है वो पाठ्यक्रम होता है पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है पाठचर्या से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से है इसके अंतर्गत विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां जैसे मैंने बताया अगर आप जो है शिक्षक अपने शिक्षक शिक्षण के दौरान पढ़ने पढ़ाई के दौरान अगर आप किसी टूर पर भी जाते हैं घूमने जाते हैं किसी पार्क में आपको विद्यालय की तरफ से ले जाया जाता है वो भी आपका इसी में आ जाता है पॉल हेरेस्ट के अनुसार कहा गया है पाचर्या ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो निश्चित परिणामों और उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं ऐसी परिभाषा पॉल हेरेस्ट के अनुसार दी गई है मुनरो के अनुसार कहा गया है पाठचर्या सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जो पाठचर्या है ये सारे अनुभवों को एक्सपीरियंसेस को अपने में इंक्लूड करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है पाठचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है जो पाठचर्या होती है वो सदैव पूर्ण नियोजित होती है वो पहले से ही नियोजित होती है पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है आपका पहले ही फिक्स है कि बी में दो साल में बच्चा क्या क्या करेगा कब इसकी टीचिंग लगेगी कब जो है ये वायबा होगा पूरा फिक्स होता है है ना फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब होगा सेकेंड सेमेस्टर कब होगा पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है स्टार्टिंग में ही पाठचर्या के चार मुख्य आधार होते हैं लिख लीजिए पाठचर्या के कितने आधार होते हैं के चार मुख्य आधार होते हैं एक तो सामाजिक शक्तियां इसमें आती हैं पहला आधार स्वीकृत सिद्धांतों के द्वारा ऐसे सिद्धांत जो स्वीकार किए गए हैं उनके द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान दूसरा अधिगम का स्वरूप और ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप ये पाठचर्या के चार मुख्य आधार होते हैं अब आपसे पूछ लेगा इसमें से कोई एक अलग ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से पाठचर्या का मुख्य आधार कौन सा नहीं है तो अगर आपको ये चारों आते होंगे तो जो नहीं होगा उसको टिक करके चले आएंगे आप आंसर आपको सही हो जाएगा आपका है ना मूल पाठ्यक्रम या कोर प्रधान पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अन्य विषय ऐच्छिक कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अनिवार्य होते हैं जैसे आपका बीएड में है ना दो सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में अनिवार्य होते हैं आपके सबको लेना है दो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है आपके पास फिजिक्स रहेगी मैथमेटिक्स रहेगी इंग्लिश हिंदी एस एस टी क्या आप चूज करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है वो ऐच्छिक होते हैं जो सबके लिए वो अनिवार्य होते हैं जैसे आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो चौथा पांचवा पेपर है योगा वाला और मापन मूल्यांकन वाला वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा चूज कर रहे हैं वो ऐच्छिक हो गया बाकी जो तीन पेपर हैं ये जो थर्ड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं ये अनिवार्य है आपका तो ये मूल पाठ्यक्रम कोर प्रधान पाठ्यक्रम में ये चीज आती है इसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं कुछ ऐच्छिक होते हैं जो कोर प्रधान पाठ्यक्रम है ये अमेरिका की देन है डी फ्रेंड किसकी देन है अमेरिका की देन है कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है कोर प्रधान पाठ्यक्रम कैसा होता है मनोवैज्ञानिक होता है इसमें बालक को सेंटर में रखा जाता है बालक को केंद्र में रखा जाता है प्रचन्न पाठ्यचर्या यानी कि हिडन कैरिकुलम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें न समाज शिक्षा जो हमें ना तो शिक्षक शिक्षक सिखाते सिखाते हैं ना हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं हम स्वतः हाँ सीख जाते हैं तो वो जो हम स्वतः हाँ सीख जाते हैं वही हमारा प्रचंड पाठचर्या के अंतर्गत आता है यानी कि इसमें हम जब विद्यालय जाते हैं तो हमें टीचर वो चीज़ नहीं पढ़ाता हम खुद सीख जाते हैं यानी कि विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है उसको हिडन कैरिकुलम कहते हैं आइए और समझते हैं प्रछंड पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन उन्नीस सौ में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था प्रचंड पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था फिलिप जैक्सन ने उन फिलिप जैक्सन की किताब का नाम क्या था लाइफ इन क्लास कब इन्होंने प्रयोग किया था उन्नीस में पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगला चैप्टर कहता है पाठचर्या के तत्वों का समन्वय पाठच्चर्या की सफलता की गारंटी देता है पाठचर्या की सफलता की गारंटी कौन देता है पाठचर्या के तत्वों का समन्वय इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पाठचर्या जो आपका सिलेबस निर्धारित किया जा रहा है उसमें कौन कौन से घटक कौन कौन से तत्व तो आपने इंक्लूड किए हैं उसी के बेस पे यह माना जाएगा कि आपकी पाठचर्या सफल होगी या नहीं होगी भाई पाठचर्या तब सफल होगी जब बच्चा सक्सेस होगा जब बच्चे को सफलता मिलेगी जब बच्चा आगे बढ़ेगा है ना जब उसमें पाठचर्या में वो चीज़ें शामिल होंगी जिसको जिसकी समाज को जरूरत है है ना वो आवश्यकताएं वो परिस्थितियां जो समाज चाहता है क्या वो सारे तत्व वो सारी चीजें पाठचर्या में सम्मिलित हैं तभी सफल माना जाएगा ठीक है और इनका सामंजस्य आपस आपस में होना चाहिए मान लीजिए पाठचर्या में ऐसे तत्वों का सामंजस्य हो गया कोई तत्व जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं तो पाठचर्या सफल नहीं होगी बिगड़ जाएगी है ना आपको उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा पाठचर्या के चार मुख्य घटक होते हैं कितने के घटक होते हैं जो पाठचर्या का निर्धारण करते हैं तो मूल्यांकन प्रणाली ये पाठचर्या के चार मुख्य घटक होते हैं पूछ लेगा इनमें से कौन सा पाठचर्या का मुख्य घटक नहीं है तो आपको चारों आने चाहिए नहीं तो आप इनमें से किसी को लगा दोगे सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रखकर के पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है किस को ध्यान में रख करके पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है सामाजिक भिन्नता को ठीक है पाठचर्या मूल रूप से एक नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम है पाठचर्या मूल रूप से है क्या है है क्या नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम या और भी ऑप्शन हो जाएंगे तो आप याद रखेंगे नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम है जब हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे उद्देश्य निश्चित ध्येय यानी कि एक निश्चित मंजिल लक्ष्य के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ये ध्येय तीन स्तरों पर निर्मित किए जाते हैं पहला जो ध्येय है पहला जो पहली जो मंजिल कह सकते हैं परम हो परम ध्येय यानी कि मुख्य दूसरा मध्यस्थ यानी बीच का तीसरा समीपस्थ अब देखिए शिक्षा के परम ध्येय का संबंध बारह वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के परिणाम से है किसका संबंध शिक्षा के परम ध्येय का संबंध किससे है विद्यालयी शिक्षा के परिणाम से परम ध्येय किसी निश्चित समयावधि में चलने वाली शिक्षा के परिणामों का सूचक है परम क्या है जो परम ध्येय होता है यह किसी निश्चित समयावधि में चलने वाली शिक्षा के परिणामों का सूचक होता है मध्यस्थ ध्येय क्या है शिक्षा की किसी अवस्था या किसी विषय वस्तु जैसे भाषा विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं इन्हें चरमध्येय की सहायक अथवा साधक के रूप में समझा जाना चाहिए मध्यस्थ ध्येय को समीपस्थ ध्येय क्या होता है इसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं समीपस्थ ध्येय को विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं वे ये कक्षा कक्ष के व्यवहारों से संबंधित होते हैं किसी पाठ या इकाई को पढ़ाने और समझ लेने के बाद विद्यार्थी क्या कर सकेगा उसकी संप्राप्ति उसके अचीवमेंट क्या होगी समीपस्थ ध्येय इसी का इस स्पष्टीकरण करता है इसी का क्लेरिफिकेशन देता है इन्हें अनुदेशात्मक उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य या अधिगम की निष्पत्ति भी कह सकते हैं आइए आगे समझते हैं किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है सिद्धांतों के आधार पर किसके आधार पर सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है जिससे कि पाठचर्या एवं योजना का निर्धारण किया जा सके पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है पाठ्यक्रम का निर्माण किस पर आधारित होता है उद्देश्यों पर ठीक है उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठचर्या निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है भाई अगर बालक यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर के पाठ्यक्रम बनाया गया है पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है यदि वह उद्देश्य ही बालक प्राप्त नहीं कर पा रहा है या जो पाठ्यक्रम जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया बनाया गया है वह उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पाठ्यक्रम निर्माण की सफलता नहीं हो सकती पाठ्यक्रम जो है सफल नहीं हो सकता पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के शाम मॉडल प्रस्तावित करने वाले आर एच दबे हैं कौन आर एच दबे राष्ट्रीय पाठचर्य संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है क्या है अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य एन सी में माना गया है एन सी में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है राष्ट्रीय पाठचर्य संरचना 2005 में सामाजिक एकता से संबंधित विषय वस्तु को समाहित करके उसको इंक्लूड करके सामाजिक एकता के विकास में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है आगे बात करते हैं पाठचर्या के चयन के तीन स्तर होते हैं ध्यान रखिएगा पाठचर्या के चयन के स्तर आपसे पूछेगा क्या बताएंगे आप पाठचर्या के चयन के तीन स्तर होते हैं पहला विषय वस्तु क्षेत्र का संकल्पनात्मक प्रारूप दूसरा आधारभूत तथ्य यानी कि संकल्पनाओं का चयन विषय वस्तु के विशिष्ट बिंदुओं का चयन ये पाठचर्या को चूज करने के तीन लेवल होते हैं पाठचर्या के लिए विषय वस्तु स्वयं में पर्याप्त होनी चाहिए विषय वस्तु कैसी हो सेल्फ इफ़िशियंट यानी कि खुद में पर्याप्त होनी चाहिए जिसके लिए यह आवश्यक है कि चयनित विषय वस्तु जो भी विषय वस्तु आपने चूज़ की है वह सार्थक है या नहीं है स्वयं में पर्याप्त है या नहीं है और मितव्ययी है या नहीं है आइए आगे, आगे बढ़ अच्छा हमने बताया नहीं हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं ठीक है और नोट्स लेने के लिए जो नंबर आप सामने देख पा रहे हैं या लास्ट में बता देंगे उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप पाठचर्या की विषय वस्तु में सार्थकता होनी चाहिए पाठचर्या की जो भी विषय वस्तु हो उसमें सार्थकता सिग्निफिकेंस होना चाहिए पाठचर्या के लिए चयनित विषय वस्तु वैध होना भी जरूरी है पाचचर्या के लिए चयनित विषय वस्तु इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग होना भी जरूरी है शिक्षार्थी किसी भी विषय वस्तु को तभी सीखते हैं जब उनमें रुचि हो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो सिखाने वाला कितना भी जो है वेल स्किल्ड हो वो आपको नहीं सिखा सकता अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है आप सीखना नहीं चाहते हैं विषय वस्तु के चयन के पश्चात उसका संगठन करना अति आवश्यक है विषय वस्तु के चयन के बाद क्या करना अति आवश्यक होता है उसका संगठन करना जरूरी होता है पाचर्या मुख्यतः अधिगम की ही योजना होती है क्या पाठचर्या जो है वो मुख्य रूप से अधिगम की ही एक योजना होती है लर्निंग की ही प्लानिंग होती है पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है पाठचर्या संरचना का जो अंतिम सोपान है वो मूल्यांकन करना अंतिम सोपान मूल्यांकन करना ध्यान रखिएगा आप हमारा पाठचर्या दो भागों में विभाजित होता है हमारी जो पाठचर्या है वो दो भागों में डिवाइड होती है पहला नियोजन दूसरा क्रियान्वयन ओके पाठचर्या नीतियों को लागू करने का सारा उत्तरदायित्व तो विद्यालय और संस्थान पर होता है पाठचर्या नीतियों को लागू करने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है विद्यालय और संस्थान का विहिलर ने किसने विहिलर ने पाठ्यक्र पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार माना है किसने वहिलर ने क्या माना है पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार माना है ये कहते हैं कि जो की संरचना है वो वृत्ताकार है के अनुसार क्या कहा गया है है जो मानव इच्छाओं की तृष्टि करे ऐसा अर्बन कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री वो होती है जो आप सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं और सामने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं ये क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री है ठीक है मोबाइल फोन आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है सीखने के लिए राजमार्ग का, का काम करती है आपके लिए हाईवे का, का काम करती है मोश, ने अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्वेश्चन पूछेगा अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा मौसमैन का किसका मौसमैन का पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः गुणात्मक रूप में मापन होता है किस रूप में होता है गुणात्मक रूप में विज्ञान जो है यह बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है कौन विज्ञान फिलिप एवं टेलर ने पाठ्यक्रम के, के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करने वाले कौन हैं फिलिप एवं टेलर कौन है फिलिप एवं टेलर हैं ठीक है कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक जो है वो किसकी है विहिलर की है किसने लिखी है कैरिकुलम प्रोसेस जो पुस्तक है वो विहिलर ने लिखी है आइए चैप्टर थ्री में पहुंचते हैं इसमें बताया गया है चैप्टर जो थ्री है आपका किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई भी जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है एजुकेशन प्रोसेस उसके तीन पहलू होते हैं एक तो शिक्षा क्यों दी जा रही है ठीक है शिक्षा किस तरीके से हाउ ऑफ एजुकेशन है और शिक्षा में है क्या वॉट ऑफ एजुकेशन ये तीन पहलू होते हैं शैक्षिक प्रक्रिया के ओके ध्यान रखिएगा शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता, होता है।, आप बीट में कर रहे हैं, आपका है कि हम भी नाइन्टी परसेंट लाएंगे तो जो कुछ हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है शिक्षा कैसे कैसे का संबंध शिक्षण विधियों से होता है आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं कौन सा तरीका अपना रहे हैं है ना कौन सी टीचिंग मैथड्स यूज कर रहे हैं तो ये क्या मतलब हो गया शिक्षा आप कैसे दे रहे हैं शिक्षा में क्या का मतलब होता है शिक्षा के पाठ्यक्रम से कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है कौन कौन से टॉपिक्स हैं कौन से चैप्टर्स हैं है ना ये होता है शिक्षा में क्या का अर्थ इस प्रकार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों से होता है पाठ्यक्रम का सीधा संबंध किससे होता है शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों से पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्या पाठ्यक्रम जो है वो औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग किसको मानते हैं पाठ्यक्रम को औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है जो औपचारिक शिक्षा है उसके लिए समय स्थान सब कुछ निश्चित होता है समय स्थान पाठ्यक्रम सब कुछ निश्चित होता है ठीक है जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो हमें घर परिवार और मतलब जीवन भर हम सीखते रहते हैं अनौपचारिक में उसके लिए ना तो कोई निश्चित स्थान होता है ना कोई निश्चित समय होता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है तो औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर होता है इसका मतलब ये है कि जो औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा होता है उसमें ये देखा जाता है कि इस समय की जो आवश्यकताएँ हैं समाज की क्या आवश्यकताएँ हैं बालक की क्या आवश्यकताएं हैं है ना समाज की परिस्थिति क्या है बालक की परिस्थिति क्या है बालक क्या सीखना चाहता है बालक के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही सिलेबस तैयार किया जा जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करता है प्रभावशाली शिक्षण यानी कि इफेक्टिव टीचिंग वो है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके अर्थात अधिक से अधिक अधिगम हो सके वही टीचिंग आपकी इफेक्टिव मानी जाएगी प्रभावशाली मानी जाएगी यहाँ पे देखिए बी ओ स्मिथ महोदय का कहना है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है आपसे पूछ लेगा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों चरों का मतलब वेरिएबल और उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है ऐसा कौन कहते हैं ऐसा बीओ स्मित कहते हैं शिक्षण की प्रकृति सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही होती है शिक्षण की प्रकृति क्वेश्चन पिछली बार भी आया था शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होती है कला एवं विज्ञान दोनों है जो शिक्षण है इसकी प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों है आपसे पूछेगा कला है कि विज्ञान है या दोनों है शिक्षण प्रक्रिया के तीन चर यानी कि तीन वेरिएबल होते हैं शिक्षक छात्र और पाठ्य वस्तु ये शिक्षण प्रक्रिया के तीन चर माने गए हैं तीन वेरिएबल माने गए हैं शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता के कार्यों से की जाती है क्या शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता यानी कि जो शिक्षक के चर हैं जो शिक्षण के जो वेरिएबल हैं कौन कौन से वेरिएबल हैं आपके कौन कौन शिक्षक छात्र और पाठ्य वस्तु इनके कार्यों की समानता इनके कार्य किसके समान हैं इस इनके कार्य चिकित्सक यानी डॉक्टर के कार्यों से की जाती है क्योंकि डॉक्टर का प्रमुख कार्य क्या होता है रोग का निदान करके उसका उपचार करना है ना और उसके बाद रोगी की अच्छे होने की जांच करना भी होता है ठीक है तो इसकी जो समानता है वो चिकित्सक से ली गई है तो शिक्षण के कार्यों का स्रोत चिकित्सक की क्रियाएं मानी जाती हैं शिक्षण के चरों को तीन प्रमुख क्रियाएं होती हैं शिक्षण के चरों की तीन प्रमुख क्रियाएं होती हैं एक तो निदान करना फिर उसका उपचार करना और बाद में वो चीज कहाँ तक सही है या नहीं है है ना ये इसका मतलब होता है कि उसका मूल्यांकन कर लिया जाए हम मूल्यांकन बच्चों को परीक्षा के माध्यम से करते हैं हम मौखिक परीक्षा लगा लेते हैं लिखित परीक्षा लेते हैं इसके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो यहां से आपने एक क्वेश्चन आपका ये बना कि शिक्षण के जो शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता किससे की गई है चिकित्सक से या टीचर से या बढ़ई से किससे की गई है चिकित्सक से की गई है ना? शिक्षण के कार्यों का स्रोत चिकित्सक की क्रियाएं मानी जाती हैं। एक एक पॉइंट को रट लीजिएगा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर होता है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर होता है शिक्षक स्वतंत्र होता है छात्र जो होता है वो टीचर पर डिपेंड होता है आश्रित होता है और पाठ्यवस्तु जो है वो हस्तक्षेपचर होती है हम उसमें इंटरफेयर करते हैं हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए शिक्षक सर्वप्रथम निदानात्मक कार्य करता है क्या प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक जो है वो सबसे पहले निदानात्मक कार्य करता है उपचारात्मक कार्य इसके बाद क्या आया इसके बाद उपचारात्मक आता है उपचारात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना इसके बाद आता है मूल्यांकन मूल्यांकन कार्य का, का उद्देश्य उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना होता है ये कहाँ तक इफेक्टिव रहा मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है मूल्यांकन का मानदंड किसको माना जाता है उद्देश्यों की प्राप्ति को मूल्यांकन का मानदंड माना जाता है शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है क्या शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है इसकी संरचना के तीन प्रमुख पक्ष होते हैं जो टीचिंग है जो शिक्षण है इसकी संरचना के तीन प्रमुख पक्ष माने गए हैं कौन कौन से एक तो शिक्षण में संकेत एवं चिन्ह शाइन एंड सिंबल्स इन टीचिंग शिक्षण की भाषा विज्ञान प्रक्रिया लिंग्विस्टिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग शिक्षण का तर्क ये तीन जो हैं वो शिक्षण जो प्रक्रिया होती उसके शिक्षण प्रक्रिया सॉरी 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 शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है इसकी संरचना के तीन प्रमुख पक्ष होते हैं ठीक है जो शिक्षण की जो संरचना होती है उसके तीन प्रमुख पक्ष यही माने गए हैं आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर नंबर हमारा आता है देखिएगा चैप्टर फोर कहता है पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है एजेंसी कौन है एजेंट कौन है टीचर है शिक्षक है शिक्षकों में ज्ञान अनुभव और व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है शिक्षक का छात्र विद्यालय और उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे शिक्षक का छात्र विद्यालय और उनसे संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उनसे कैसा संबंध होता है भावनात्मक भावनात्मक संबंध होता है कैसा भावनात्मक संबंध होता है पाठ्यक्रम का वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है पाठ्यक्रम का वास्तविक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है कक्षा में ही प्रदान किया जाता है सेलर एवं अलेक्जेंडर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं कितने दो प्रकार के एक तो नियोजित पाठ्यक्रम दूसरा क्रियान्वित पाठ्यक्रम क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहते हैं क्या वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहते हैं लीज फ्रेजर एवं जॉनसन की जो पुस्तक है उसका नाम द टीचर इन करिकुलम मेकिंग है क्या नाम है लीज फ्रेजरम जॉनसन की पुस्तक का नाम द टीचर इन है मूल्यांकन के तरीके और तकनीकें पाठचर्या के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं मूल्यांकन का तरीका क्या रहेगा टेक्निक्स क्या रहेंगी ये पाठचर्या के लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में जॉन डीवी लिखते हैं कि ये इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम के संबंध में जॉन डीवी लिखते हैं कि मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे यानी पहले से निर्धारित सिद्धांत नहीं थे सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे विद्यालय मात्र कुछ विचारों जिन्हें प्रश्न अथवा समस्याएं कहना अधिक उपयुक्त होगा को लेकर प्रारंभ किया गया था एडवर्ड ए क्रग नाम क्या है एडवर्ड ए क्रग शिक्षकों के समा गित्त यानी कि पार्टिसिपेशन को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं कौन मानते हैं एडवर्ड एक क्रक कहते हैं कि अगर पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है उसमें अगर टीचर पार्टिसिपेट करता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है है ना इसका टीचर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अंग है एडवर्ड एक क्रक कहते हैं कि पाठ्यक्रम आयोजन में जब पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए उसमें शिक्षकों को भागीदार बनाना उन पर कोई एहसान करना नहीं है बल्कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टीचर्स को उसमें सम्मिलित करें हेमलेट नाटक डेनमार्क डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेल खेला जा रहा है ये लाइन सर रोनाल्ड गोल्ड की है इस ये लाइन तब उन्होंने कही क्या तब कही जब ये स्टेटमेंट आया कि पाठ्यक्रम का आयोजन जो है उसमें अगर टीचर पार्टिसिपेट नहीं करता है बिना टीचर्स के पार्टिसिपेशन के पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हेमलेट जो नाटक है वो डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है भाई एक टीचर ही है जो समाज में रहता है और समाज से कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स से कनेक्ट होता है वो समाज की कंडीशन को समझता है बालक की ज़रूरतों को समझता है अगर उस टीचर अगर पार्टिसिपेट पार्ट पार्ट तो है, है अगर टीचर उसमें इंक्लूड नहीं होगा शामिल नहीं होगा तो फिर वो चीजें उसमें कैसे इंक्लूड हो पाएंगी वर्तमान समय पाठचर्या विकास कार्य में शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रयास विश्व के अधिकांश देशों में किए जा रहे हैं कि पाठचर्या विकास कार्य में शिक्षकों की जो है भागीदारी जरूरी है लेकिन ब्रिटेन जो है वो इस कार्य में सबसे आगे है कौन ब्रिटेन सबसे आगे है पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो श्री श्रीन ओवन ने तृतीय अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में इस बिंदु इस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया क्या बिंदु था पॉइंट ये था कि पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए ये जब तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन हो रहा था उसमें उन, उसमें श्री जोसलिन ओवर ने इस पॉइंट को बहुत महत्वपूर्णता से उठाया था ठीक है तो डियर फ्रेंड आपकी पेपर जो पेपर सेकेंड है उसकी यूनिट फर्स्ट वन लीनियर तैयार करा दी हमने पेपर थ्री भी तैयार करा दिया अब बाकी जब, बाकी जो पेपर बचे हैं उनकी भी एक एक यूनिट करके पूरे, पूरे पूरे सब्जेक्ट की वन लीनियर क्लासेस हम कंप्लीट करा देंगे क्लास कैसे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड हमारे पेड नोट्स लेने के लिए हमें यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आपको चारों पेपर के सब्जेक्टिव कॉन्टेंट ऑब्जेक्टिव कॉन्टेंट वन लीनियर फुल सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाता है हमारे नोट्स लेने के बाद आपको कोई किताब नहीं ख़रीदनी आपको कोई मॉडल पेपर नहीं खरीदना आपको किसी भी तरीके का कोई जी नोट्स नहीं खरीदना सब कुछ यहीं से अवेलेबल हो जाएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में